दोस्तों, भारत के महान बिजनेसमैन और उद्योगपतियों की बात करते हैं तो उनमें टाटा कंपनी के चेयरमैन सर रतन टाटा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो ना सिर्फ महान बिजनेसमैन हैं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, रतन टाटा को महान बिजनेसमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चेयरमैनशिप के दौरान 22 सालों में टाटा ग्रुप की रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गई और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ा दिया। इसीलिए इन्हें आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी महानता ये थी कि ये किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे बल्कि उससे और ज़्यादा प्रेरित हो जाते थे। आज सर रतन टाटा की बदौलत टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से भी ज़्यादा कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में चल रही हैं। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद भी सर रतन टाटा ने आज तक शादी क्यों नहीं की? इनकी असली वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। 28 दिसंबर 1937 को सर रतन टाटा का जन्म हुआ था। इनके पिता नवल टाटा, माता सुनी टाटा का आपस में किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, जिसके बाद ये अपनी दादी के साथ रहने लगे। और 1962 में जब ये अमेरिका से पढ़ाई करके भारत लौटे तो इनकी पहली नौकरी जमशेदपुर में टाटा स्टील में लगी और धीरे धीरे इन्होंने लीडरशिप में TCS को लिस्ट किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया और ऐसे चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप के रूप में उन्होंने बहुत सारी विदेशी कंपनी टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनी को खरीदा। इसलिए ये दुनिया के सबसे बड़े और महान बिजनेसमैन जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी शादी ना करने की कहानी। दोस्तों, जब वे लॉस एंजलिस शहर में नौकरी कर रहे थे तो वहाँ रहने वाली एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया था और प्यार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने डिसाइड किया कि शादी कर ली। लेकिन तभी उनके पास भारत से उनकी दादी का फोन पहुंचा, जिसमें उन्हें पता चला कि उनकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। क्योंकि वह अपनी दादी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए भारत वापस आने लगे और साथ वह उस लड़की को भी साथ भारत चलने को कहा और वह मान भी गई। लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध खत्म होने के बाद भारत आने का वादा किया और इस वादे के भरोसे सर रतन टाटा भारत वापस आए। वो उस महिला के आने का इंतजार करने लगे। उधर उनके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दिया। सुनकर रतन टाटा जी के दिल को गहरी चोट पहुंची। इससे पहले वह हमेशा यही कहते थे कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। चूंकि उन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुम्हीं से करूंगा, लेकिन उसने किसी और से कर ली तो रतन टाटा ने पूरी जिंदगी शादी ही नहीं की। दोस्तों, रतन टाटा अपने इस पक्के वसूलों और वादों के कारण एक सफल बिजनेसमैन के उदाहरण बनकर सामने आए हैं। तो आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर करें।